नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 के 10 तक में। मैं हूँ आपके साथ खुशी। उम्मीद है फैमिली आपकी अच्छी होगी, आपका ख्याल रख रही होगी। इसी बीच हम पहली जो कहानी है वो आज शुरू कर रहे हैं। सिरपिरा तांत्रिक और 45 शिकार और एक मस्त। आशी कहानी है सिरफिरा तांत्रिक, जो कि 42 साल का शिकार करता था और 42 साल की महिलाओं का शिकार करता था और वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका लाभ लेता था। बता दें कि दुनिया में अंधविश्वास जैसी बहुत सी बातें आती है, लेकिन आप पढ़ते भी चलते होंगे यहाँ तक के कि कई बार तांत्रिकों के चक्कर में पढ़कर वो अपनी जान भी गवा बैठे। ऐसी भी आपने खबर सुनी होगी। तंत्र मंत्र का सहारा लोग इससे लेते हैं कि ताकि उनके जीवन में समस्या दूर हो सके। लेकिन कभी ये चीज़ें कम पड़ गई तो क्या होगा, कम या ज़्यादा भी पड़ गई तो क्या होगा। आज हम आपको इंडोनेशिया के ऐसे केस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक तांत्रिक को चक्कर में पड़ने से 42 लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी। साल 1986 का नॉर्थ सुमात्रा, यहाँ अहमद सुदार्जी नामक एक तांत्रिक अपनी 3 पत्नियों के साथ रहता था। उसकी तीनों पत्नियाँ आपस में बहनें थीं। अहमद को इलाज के अधिकतर लोगों को जानते थे। वो सभी इसलिए वहाँ से दूर दूर तक के आते थे और मंत्र कराने आते थे और झाड़ फूड कराने आते थे ताकि लोगों की समस्या दूर हो सके। उसके पास इलाज करवाने के लिए लोग तो आते थे। तब 1986 में एक दिन एक लड़की इसी अहमद के पास में अपनी समस्या का समाधान लेके आई। अहमद ने उसे इलाज के नाम पर एक गन्ने के खेत में लेकर गया और वहाँ उससे पहले गड्ढा खोद कर रखा। अहमद ने लड़की को कहा कि मैं तुम्हें गड्ढे में बिठा बैठ जाओ। वो लड़की को उस पर बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्ती किया। अहमद ने तंत्र साधना करनी शुरू कर दी। वो काफ़ी सारे मंत्र बोलकर धीरे धीरे गड्ढे में मिट्टी भरने लगा। ये सब देखकर लड़की घबराने लगी और उसने तांत्रिक से पूछा कि आप ही क्या कर रहे हो। तब उसने कहा कि मुझ पर मिट्टी डालते हुए मैं तो दब जाऊंगी। तांत्रिक ने कहा कि वो तुम कुछ समाधान विघ्न होता है जो कि तुम पर आ चुका है, उसे बस हटाने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। वो तांत्रिक साधना की एक प्रक्रिया है। और फिर वो लड़की अपनी ही ज़्यादा जगह मिट्टी से रहने लगी और एक समय ऐसा आया कि जब मिट्टी की लकड़ी की गर्दन तक पहुँच आई। अब ये हिल डुल भी नहीं पा रही थी और अहमद एक रस्सी से दूसरी रस्सी तक के बस जा पाता था। अहमद ने जैसी भी वो लार देखी वह खुश होकर झूम उठा। उसने तुरंत ही वो लार पी ली। फिर उसने लड़की को उसने गड्ढे से बाहर निकाला, उसके सारे कपड़े उतारे और पास ही में उसका शव को फेंकने दिया। इतने में ये सारी बातों का ध्यान एक लड़की के सिर की ओर तरफ किया। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसके पीछे वह वजह थी, आइए जानते हैं। अगले प्रोग्राम में मैं आपको इसका पार्ट 2 बताऊंगी, जरूर देखिएगा, बहुत ही रोचक है। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह, तब तक के लिए देखते रहिए MNS News Network की खास पेशकश 10 की 10 तक। नमस्कार।